26 मई को केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार का ये सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। इस दौरान कई राज्यों में भाजपा दोबारा सत्ता में लौटी तो कई राज्यों में बीजेपी सत्ता में आते आते चूक गई। अपने इस कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए जिनको लेकर विवाद भी हुआ। आज हम आपको मोदी सरकार के कुछ ऐसे ही 8 फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसी कड़ी में मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला नोटबंदी रहा। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने देश में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया। सरकार के इस फैसले को नोटबंदी कहा गया। सरकार ने पुराने नोटों की जगह 500 और 2000 रुपए के नए नोट भी जारी किए। नोटबंदी के बाद कई महीनों तक लोगों में अपने पुराने नोट बदलवाने के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। इस दौरान बैंकों के आगे लोगों का हुजूम दिखाई दिया। आपको बता दें कि मोदी सरकार अपने इस फैसले से काले धन पर रोक लगाने और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना चाहती थी। अब बात आती है मोदी सरकार के दूसरे सबसे बड़े फैसले की, तो 29 सितंबर 2016 में भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की। इस हमले के बाद सरकार ने कहा था कि भारतीय वायुसेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया किया है। दरअसल ये हमला जम्मू कश्मीर में उरी आतंकी हमले के बाद किया गया जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे। उरी हमले के 10 दिनों के भीतर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके बाद केंद्र ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू करके तीसरा सबसे बड़ा फैसला लिया था। जीएसटी पूरे देश के लिए एकल घरेलू अप्रत्यक्ष टैक्स कानून है। ये तो रही जीएसटी की बात। इसके बाद 1 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने संसद में 3 तलाक विधेयक को पारित करवाया। हालांकि 3 तलाक पर कानून लाने पर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन खुद मुस्लिम महिलाओं ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। 3 तलाक के बाद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए के जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषयों में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए होता था। 370 हटाने के बाद अब जम्मू कश्मीर में 890 केंद्रीय कानून वहां लागू हो गए हैं। कश्मीर के 370 के बाद केंद्र सरकार ने संसद से CAA संशोधन विधेयक पास कराया, जिसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चले। आपको बता दें कि नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदायों के शरणार्थियों को भारत में नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया। देश में 10 जनवरी 2020 को नागरिकता कानून यानी CAA को लागू किया गया था। वहीं 1 दिसंबर 2018 को पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया, जिसके तहत खेती की जमीन रखने वाले पात्र किसानों के खाते में सीधे 6000 रुपए भेजे गए। अब हर 4 महीने में 2000 रुपए की 3 किश्तें सीधे पात्र किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती हैं। ये योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। किसान सम्मान निधि के अलावा मोदी सरकार ने गरीबों के लिए आयुष्मान योजना शुरू की, जिससे देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा दी गई है। ये योजना अप्रैल 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड बनता है, जिससे वो देश में चिन्हित अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1600 से ज्यादा रोगों का इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में दाखिल होने पर बिल्कुल फ्री होता है।